भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत गुट ने बेलवाड़ा स्थित राणा शुगर मिल पर गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ने की अवैध खरीदारी किए जाने का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राणा शुगर मिल के गन्ना सेंटरों पर गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ने की अवैध खरीदारी की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गन्ना उत्पादक किसानों को मिल द्वारा पर्चियां भी नहीं दी जा रही हैं, जिससे किसानों का गन्ना नहीं खरीदा जा रहा, किसानों का शोषण किया जा रहा है तथा गन्ना भी कम तोला जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से अवैध गन्ने की खरीदारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया, ये अवैध गन्ने की खरीद कर रही है, किसानों को पर्ची नहीं मिल रही, सेंटरों पर सीधे गेट पे कम रेटों में गन्ना खरीद रही है, जिससे किसान परेशान है। आज हमने आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा उपगन्नायक तीनों को ज्ञापन देके और SDM सदर साहब से भी हमारी बात हुई है। हमने उनसे साफ कह दिया कि अगर सप्ताह भर में आपने अवैध खरीदारी नहीं रोकी और घटतौली नहीं रोकी तो फिर हम आंदोलन करेंगे। इस दौरान राधेश्याम, धर्मेश सिंह, दीपक चौधरी आदि किसान नेता मौजूद रहे।